में बहुत रेयर है यहाँ पर। आगे के पेड़ देखिए बड़े हैं, जैसे कावेरी नदी है। यहाँ का लुक देखिए आप, पर साउथ में दाल चलती नहीं है, दाल चावल कोई खाता नहीं है यहाँ। यही गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैसूर में सेकेंड डे है और सेकेंड डे रिजर्व रखा है। ज़्यादातर दिन जो रिजर्व है वो जू के लिए रखा है। सबसे बड़ा जू है ये भारत का और सबसे बेहतरीन जू है ये भारत का। तो मैसूर आएंगे तो इस जू, स्पेशली कई लोग मैसूर आते भी इस जू के लिए और पैलेस के लिए, इन दो चीज़ों के लिए। तो आज का दिन जू के लिए है। यहाँ पर जो टिकट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 50 रुपीज़ है। अगर आपको और भी कहीं जाना है मैसूर में और आपको जू के लिए 2.5-3 घंटे 4 घंटे आपके पास उतना समय नहीं है, तो आप यहाँ पर बग्गी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बग्गी यहाँ पे अवेलेबल है, ऑनलाइन भी बुक होती है, यहाँ आकर भी बुक कर देते हैं। लेकिन एडवाइस ये करूँगा कि ऑनलाइन बुक कर ले, इनफैक्ट टिकट भी ऑनलाइन बुक कर ले, एंट्री टिकट्स एज वेल एज बग्गी के। बग्गी के आपको 200 रुपीज़ पर पर्सन होते हैं जो यहाँ से मिलेंगे, लेकिन ऑनलाइन आप चाहे तो पूरी बग्गी, आप चाहे आप 2 लोग हैं 4 लोग हैं आप बुक कर सकते हैं। और बग्गी में 6 लोगों के लिए बैठने की इनफ जगह है, आप 4 भी हैं तो बुक कर सकते हैं। उसके 2,400 रुपीज़ प्राइस है। तो ये बग्गी से आप जब देखेंगे तो लगभग 1-1.25 घंटे में पूरा जू कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप बाय वॉकिंग स्ट्रोल करना चाहें, देखना चाहें, तो लगभग 2.5 से 3 घंटे आपको लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एंट्री से हम टिकट चेक करा के अंदर आते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले इनका जिराफ का एक बाड़ा बना हुआ है और वहाँ पर आप जिराफ देख सकते हैं। उसके बाद बर्ड व्यूइंग है, उसके बाद लायन टाइगर सफारी है, उसके सफारी यानी आप देख सकते हैं, और उसके बाद एलिफेंट्स राइनो, लगभग सारे ही जानवर इस जू में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने कई जू देखे होंगे लेकिन ये जू मैंने भी एक ऐसा देखा है जहाँ पर हर जानवर है। इनफैक्ट जो गोरिल्ला, मुझे लगता है गोरिल्ला पूरे भारत में और कहीं नहीं होगा, लेकिन इस जू में गोरिल्ला भी है। मंकीज की कई प्रजातियाँ हैं और इनफैक्ट अफ्रीकन एलिफेंट जो पूरे भारत में सिर्फ इसी जू में है, वो अफ्रीकन एलिफेंट भी आप देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कैसा है ये। ये बर्ड जोन है, तो चलिए पहले बर्ड जोन देखते हैं। आप सिर्फ बाहर से पिंजरे से नहीं, अंदर जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं। ये हिप्पोपोटामस है और आप जानते हैं ये इंडिया में होते नहीं, ये अफ्रीका में ही होते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में, और बड़ा ही गुस्सेल माना जाता है इनको। अफ्रीका में एवरी ईयर लगभग शायद 250 से 300 लोगों की जो मौत है वो इनके कारण होती है, ये इतने अटैकिंग होते हैं। ये इस तरफ क्रोकोडाइल एरिया है पूरा, और आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल दिखेंगे, नाइल क्रोकोडाइल दिखेंगे, इंडियन घरियाल दिखेंगे, और भी 2-3 वेराइटीज़ हैं यहाँ पर। सॉल्ट क्रोकोडाइल ज़्यादा फिगर, इसमें एक सॉल्ट क्रोकोडाइल जो है वो सबसे बड़े हैं। इनफैक्ट जो नाइल वाटर क्रोकोडाइल है उससे भी बड़े सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वहाँ पर 2 मैंने इस वक्त देखे, और इस जोन में भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा।
ये ब्लैक पैंथर है, हालांकि आपको दिखेगा नहीं क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से, और अभी करीब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये इंडिया में बहुत रेयर है, यहाँ पर इनकी कोई गवर्नमेंट के पास डेटा भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि पूरे भारत में 20 से 25 हैं। तो उनमें से अगर आपको इस ज़ू में एक ब्लैक पैंथर देखने मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत कम रेयरली किसी ज़ू में इस तरह ब्लैक पैंथर आप देख पाते हैं। ये है इस ज़ू का सबसे शानदार जानवर, अफ्रीकन एलिफेंट। आपको पूरे भारत में और कहीं नहीं देख सकेंगे ये, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ मैसूर ज़ू में है। और देख सकते हैं ये एशियन एलिफेंट से बहुत अलग होता है। इसके आगे के पैर देखिए बड़े हैं, एशियन के चारों पैर एक जैसे होते हैं, इनके आगे के पैर थोड़े लंबे होते हैं, और स्किन जो है इनकी स्किन एकदम जो रिंकल्स जैसी होती है वैसे खुरदरी सी है, और एशियन एलिफेंट्स की प्लेन स्किन होती है। देखिए इसके ये एक सैड स्टोरी भी है, ये काफ़ी सालों से बेचारा अकेला, इसका जो कंपेनियन था वो मर गया, और लगभग 8-10 सालों से ये एलिफेंट यहाँ पर अकेला है। तो कई लोगों ने कोर्ट में पिटीशन भी डाली है कि इसे रिलीज़ कर दिया जाए, जहाँ से अफ्रीका से इसे लाए थे इसे वापस भेज दो वहाँ पे, क्योंकि एट लास्ट एलिफेंट्स जो है वो सोशल एनिमल है और वो अकेले रह नहीं पाते। लेकिन ये इसका बैड लक है कि ये काफ़ी सालों से यहाँ पर अकेला है और इसे एशियन एलिफेंट के साथ रखा नहीं जाता। तो लेकिन बहुत खूबसूरत जानवर है, मैंने कम से कम फर्स्ट टाइम देखा ये, क्योंकि इंडिया में और कहीं है ही नहीं है अफ्रीकन एलिफेंट। ये आप देख सकते हैं ये अफ्रीकन राइनो है, और इनको दो सींग है, देखिए इस तरफ वाले इस पर, इन दोनों को एक आगे बड़ा सींग है पीछे छोटा सींग है, तो ये टू हॉर्न है, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। राइनो के ठीक सामने ये चीता का केज है, चीता है बैठा है, पास में नहीं है तो उतना नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैं यहाँ से क्लियरली देख पा रहा हूँ। चीता भी इंडिया में नहीं है, हाँ अभी ज़रूर मध्य प्रदेश के जंगल में कुछ चीतों को लाया गया है पुनो नेशनल पार्क में, हालांकि उसमें से भी कई ज़्यादातर चीतों की मौत हो गई है, तो वहाँ भी अभी काफ़ी कम बचे हैं, सर्वाइवल प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं है इनका, लेकिन यहाँ पर पिंजरे में आप देख पा रहे हैं। ये ओरैंगटन है, और ये भी इंडिया में नहीं पाए जाते, तो यहाँ पर जो बंदर प्रजाति के जो हैं वो भी बहुत आप देख सकते हैं, गोरिल्ला है, ओरैंगटन है, चिंपैंजी है, बबून है। आप देख पा रहे हैं ये देखिए जिराफ है यहाँ पे, और ये भी इंडिया में नहीं होते हैं। तो आपको इस ज़ू में आने के बाद ज़्यादातर जानवर जो है अफ्रीकन जानवर और भी कई देशों के जानवर जो साउथ अमेरिका या इस तरफ हैं वो सारे देखने मिलेंगे। और ये देखिए ये सबसे शानदार नज़र आ रहा है, ये इनका खाना भी वहाँ ऊपर टांगते क्योंकि ये खाने में इनको ताकि आसानी हो, ज़्यादा झुक नहीं सकते ये खाने के लिए। और ये देखिए ये टूर, ये जो ज़ू का आपका टूर जो शुरू होता है वो जिस एंट्री पॉइंट से शुरू होता है तब भी आप इन जिराफ को देख पाएंगे, यहीं से शुरू होता है, और उसके बाद जब आप एग्ज़िट करते हैं तो एग्ज़िट के तरफ भी यही जिराफ आपको दिखेंगे, क्योंकि एक एंड से ये शुरू होगा दोबारा इसी जगह आके एंड हो जाएगा। तो बहुत अच्छा ज़ू है, आपको आना चाहिए, और समय निकाल के आइएगा, 3-4-5 घंटे रिलैक्स कीजिए, 1-1.5 घंटे देखिए फिर बैठिए दोबारा शुरू कीजिए, क्योंकि आप जिस वक्त घूमेंगे ज़रूरी नहीं कि सारे जानवर उस वक्त एक्टिव हो सकता है कोई सोया हुआ हो, दूर हो, आप दोबारा जा सकते हैं। हाँ वॉकिंग ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि ये लगभग 3 किलोमीटर का परिसर है, तो आपको अभी जैसे मैं ही चलाऊँ तो मेरी वॉच मुझे सिर्फ जब से एंट्री की है तब से लेकर अभी तक लगभग 9000 स्टेप्स हो गए, तो समय तो आपको लगेगा। हाँ मैसूर का ज़ू खूबसूरत ज़ू है, आइएगा और समय लेके आइए। थैंक यू।
मैसूर जू के बाद अब मैं आया हूँ यहाँ पे एक मशहूर चर्च में, जिसका नाम है सेंट फिलोमिना चर्च। चर्च आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, और ये पूरे एशिया का सबसे टॉलेस्ट चर्च है। लंबाई आप देखिए यहीं से, पास में से तो फ्रेम में भी नहीं आ सकता है, थोड़ा दूर से लेना होता है तभी ये लंबाई हम देख पा रहे हैं। और ये सेंट फिलोमिना जो है ये याद में बना है, कैथेड्रल है, और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं इस चर्च में। ये भी बड़ा फेमस स्पॉट है यहाँ का, यहाँ पर कोई ऐसे टूरिस्ट वगैरह कुछ भी है नहीं। तो चलिए, बाहर से तो ये इसका प्रीमाइसेस है, अंदर मुझे पता नहीं कैमरा अलाउ है या नहीं है, अगर होगा तो हम लेंगे, नहीं होगा तो हम फिर बाहर आ जाएंगे चर्च पर। सेंट फिलोमिना चर्च के बाद अब हम चर्च देखने के बाद यहाँ पर आए हैं श्रीरंगपटना। ये गांव है, छोटा सा एक टाउन है, और यहाँ पर बड़ा मयूर विष्णु मंदिर है, ये आप देख सकते हैं सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है, और यहाँ पर भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। 12-13 किलोमीटर दूर है सिटी से, लेकिन वर्थ विजिटिंग है क्योंकि बिल्कुल पौराणिक लुक है। जो नए मंदिर होते हैं वैसा ना होके आपको फील होगा कि हाँ, इस मंदिर को 1200-1300 साल हो गए हैं, इतना पुराना मंदिर है। इस परिसर में क्लाइमेट भी बड़ा अच्छा रहता है, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। आज तो इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन हाँ, वीकेंड के वक्त पर यहाँ पर भीड़ होती है। यहाँ से अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं और यहाँ पर क्या कुछ देख सकते हैं। श्रीरंगपटना में विष्णु मंदिर विज़िट करने के बाद सिर्फ 1-2 मिनट की दूरी पर एक तो आपको टीपू सुल्तान का ओल्ड पैलेस दिख जाएगा, हालांकि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब सिर्फ साइट ही बची है। और वहां से हार्डली 1 मिनट आप चलते हैं तो ये कावेरी नदी है। यहां का लुक देखिए आप, यहां पर ये व्यू पॉइंट है, उसके अलावा यहां पर लोग पूजा वगैरह यहां करते हैं, और बीच बीच में मैं देख रहा हूं कि यहां भगवान की मूर्तियां भी लगी है। देखिए, जैसे वहां एक मूर्ति रखी हुई है, और यहाँ शिव जी की एक मूर्ति यहाँ है, और पूजा पाठ ज़रूर काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ होता है, क्योंकि जिस तरीके से फूल और यहाँ पर सब हैं तो ये पूजा का एक बड़ा स्थान ज़रूर है। आज इतने लोग नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग आते होंगे और पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी काम है वो यहाँ पर होता ज़रूर है। बीच में भी एक छोटा सा मंदिर मुझे नज़र आ रहा है, मुझे पता नहीं कि ये जब फ्लो जब बढ़ता होगा तो ये पूरा ढक जाता होगा, लेकिन हाँ, काफ़ी मूर्तियाँ देखने में आ रही है मेरी नज़रों के सामने, करीबन 7 या 8 मुझे यहीं दिख रही है। और मौसम इतना खूबसूरत है यहाँ पे, आपको अगर नज़र आ रहा है तो वो देखिए रेनबो दिख रहा है यहाँ से। वीडियो में कितना क्लियर आएगा पता नहीं, लेकिन हाँ, मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ से। और शाम है इसलिए बहुत अच्छी सुकून की जगह ही है, यहाँ आके आप बैठ सकते हैं, आधा एक घंटा बिता सकते हैं, और बहुत बढ़िया जगह है। तो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। मैसूर के इस सेकेंड डे में सुबह की शुरुआत हमने की, आज सबसे पहले हम मैसूर ज़ू गए, उसके बाद हमने एशिया का सबसे टॉलेस्ट चर्च देखा, और उसके बाद हम गए श्रीरंगपटना, जो सिटी से 12-13 किलोमीटर दूर था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंदिर वहाँ पर था विष्णु भगवान का। और वो वहाँ पर और भी कई चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे टीपू सुल्तान का वहाँ पर महल भी है, और एक पुराना महल भी है जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है। टीपू सुल्तान की डेथ हुई जहाँ पर बॉडी थी, वो जगह को भी आप देख सकते हैं, और वहाँ पर कावेरी रिवर, ये सारी चीज़ें आसपास में ही वहीं पर है, वो सब आप विज़िट कर सकते हैं। जब हम दोबारा सिटी तक आए तो लगभग 7:30 बज चुके थे, और इस वक्त लगभग 8 बज चुके हैं। तो डिनर के लिए मैंने जो जगह सिलेक्ट की है वो आज बड़ी मशहूर है इस मैसूर शहर में, और महेश प्रसाद वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। ऑथेंटिक फूड यहाँ पर, साउथ इंडियन यहाँ का फूड मिलता है। तो चलिए देखते हैं, इनका एक अजीब सा एक घर जैसा घर है ये, ऐसा लगेगा आपको कि घर के अंदर ही आप जा रहे हैं, ये रेस्टोरेंट घर रूपी है। तो चलिए विज़िट करते हैं। Thank you.
महेश प्रसाद प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और यहाँ पर मैंने अपने लिए एक प्योर यहाँ की जो कर्नाटक की जो साउथ इंडियन थाली है वो मंगाई है। मुंबई में भी थाली मंगाते हैं तो कोई भी उडुपी रेस्टोरेंट या कोई भी वेज रेस्टोरेंट में थाली मिलती है, उनमें वेजिटेबल्स कुछ अलग होते हैं थोड़े से, हालांकि रसम होता है कई जगह पर, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये मुझे इन्होंने जो दी है ये कोकोनट की सब्ज़ी है एक हिसाब से। इसमें कोकोनट भी है, ग्रेटेड कोकोनट भी है, पीस भी है छोटे छोटे। ये देखिए ये कोकोनट के पीसेज है और ये जो है ये यहाँ पर इन्होंने रसम दिया है। ये रसम है जो राइस के साथ, यहाँ पर साउथ में दाल चलती नहीं है, दाल चावल कोई खाता नहीं है, यहाँ यही रसम के साथ राइस खाया जाता है। और ये जो है ये सांभर है और सांभर सब में ही, चाहे इडली डोसा जो भी है उन सब में ये सांभर चलता है और थाली में भी ये सांभर चलता है। ये कर्ड है और ये स्वीट, यहाँ पर खारा भात कहते हैं उपमा को, ये मीठा भात है एक हिसाब से जो रवे का बनता है और एक तरह से ये स्वीट है। उसके अलावा ये इन्होंने मुझे पत्ता गोभी का सलाद दिया है, सब्ज़ी रूपी सलाद है ये, पिकल दिया है, पापड़ दिया है, फ्राइड है और रोटी दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये राइस को मैं एक बार साइड में रख देता हूँ। और यहाँ देखिए आप मैसूर में जब आते हैं, मैसूर में, बेंगलोर तो इतना नहीं लेकिन स्पेशली मैसूर, तो ज़्यादातर जगहों पर आपको साउथ इंडियन इडली डोसा सेट डोसा यही चीज़ें ज़्यादातर मिलेगी। रेस्टोरेंट यहाँ है जहाँ पंजाबी फूड भी बहुत है, हर तरीके की है, लेकिन प्रायोरिटी जो है छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में वो यही मिलेगी, सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। कई बार आप जब किसी होटल में रुकते हैं, मैंने नोटिस किया है, तो अच्छी होटल में भी रुकते हैं तो उनके ब्रेकफास्ट आइटम में ज़्यादातर साउथ इंडियन आइटम ही आपको मॉर्निंग में मिलेंगे, इडली है, डोसा है, उपमा है, यहीं तक। बाकी ज़्यादा आप सोचें कि कोई पेस्ट्री सेक्शन या कोई बहुत बड़ा आलू पराठा भी इनफैक्ट कई बार नहीं होता है, तो ज़्यादातर यही चीज़ें मिलती है। अगर आपको दूसरी चीज़ें चाहिए तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, कई रेस्टोरेंट है, इनफैक्ट हर आधे किलोमीटर पे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे, वेज रेस्टोरेंट जो पंजाबी फूड भी सर्व करते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और रोटी मुझे इन्होंने एक दी है, इसका प्राइस 95 रुपीस है इस थाली का। और ये महेश प्रसाद जो है लंच होम है, ये इसीलिए शायद फेमस भी ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। तो चलिए ये ट्राई करते हैं इसी से, क्योंकि ये एक नई चीज़ है, कोकोनट की सब्ज़ी मैंने कभी खाई नहीं है। तो चलिए कोकोनट पूरा सॉफ्ट हो चुका है और इसकी जो ग्रेवी है ये काफ़ी स्पाइसी है और आपको साउथ इंडियन डिश ज़रूर है लेकिन इसका टेस्ट अच्छा है। अगर कोई नॉर्थ इंडियन होता है तो जनरली उसे तेल मसालेदार इस तरह का पसंद होता है, इसमें इतना कुछ वो सब है नहीं लेकिन स्टिल ये बहुत बढ़िया स्वाद दे रही है। एक बार और इसे टेस्ट करना बनता है। रोटी के साथ रसम वैसे कोई खाता नहीं है लेकिन फिर भी ज़्यादातर चावल के साथ ही खाते हैं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे दाल के साथ खाने की आदत है। मेन मुझे ये देखना है कि रसम और सांभर के टेस्ट में फ़र्क क्या है, माफ़ कीजिए, इसमें आखिर क्या डिफरेंस है। रसम और सांभर में स्वाद में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। रसम थोड़ा सा स्पाइसी भी है और बहुत ज़्यादा एकदम लिक्विड फॉर्म है, एकदम पतला है। सांभर जो है वो थोड़ा सा थिकनेस है, अंदर वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं, ये देखिए अंदर वेजिटेबल्स हैं, इसमें बॉटल गार्ड है, इसमें जो वो लंबे सिंग हम कहते हैं वो है, ड्रमस्टिक जिसे कहा जाता है वो चीज़ है, और ये थिक है। ये जो है ये बहुत पतला है, एकदम पतला है, पानी जैसा है ये, और इसमें मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ टोमेटो है। तो दोनों का स्वाद अच्छा है, ये थोड़ा सा स्पाइसी है। और अब ये इसके साथ ज़रा टेस्ट करते हैं। इसमें भी ग्रेटेड कोकोनट डाला हुआ है और संबारा जो कहते हैं, गुजरात में अक्सर कैबेज की ऐसी येलो सब्ज़ी होती है, सिर्फ उसमें मस्टर्ड सीड यानी राई के दाने होते हैं और हल्दी होती है,
तो इसे वही कह सकते हैं, हालांकि कोकोनट की वजह से इसका स्वाद थोड़ा सा बदल चुका है। तो ये खाना है। अब ज़रा इसको हम ये स्वीट देखते हैं, ये क्या चीज़ है। ये खीर की तरह है और रवे से बना हुआ है और लिक्विड है, बिल्कुल पेस्ट है और स्वीट ओवर नहीं है, लेकिन अच्छा है, एक बैलेंस स्वाद है। तो ये एक बैलेंस थाली है और साउथ में वैसे भी सब कुछ बैलेंस ही आपको मिलेगा, ओवर ज़्यादा तीखा या मसालेदार ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। आप 10 दिन भी यहाँ का खाना खाएंगे, आप बोर ज़रूर हो सकते हैं लेकिन आपकी हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, ये सब फिनिश करते हैं और आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब ये हमारा मैसूर में आज का लास्ट डे है, तो आपको मैं अगले व्लॉग में मिलता हूँ। थैंक यू।